जम्मू कश्मीर के एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बरसों तक यहां आतंकवाद को फैलाया गया है, चाहे वो कांग्रेस हो, महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला की पार्टी हो, ये लोग तमाम लोग सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दिए हैं और कभी इन लोगों का विकास से कोई मतलब नहीं। देखिए, ये सत्ता के लालची, ये भाजपाई किसके साथ कश्मीर में सरकार बनाए थे? ये तो सत्ता चाहिए तो किसी के साथ समझौता करेंगे और इसके बाद ज्ञान देंगे लोगों को, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है लोकसभा चुनाव के बाद, जितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, सब में उनकी हार होगी। पर उन्होंने हमला बोला और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए की सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो गया, खत्म हो गया। आतंकवाद पर हमला माइक से नहीं हो सकता, बोलकर नहीं हो सकता, उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति चाहिए। आतंकियों का, आतंकवादियों का खात्मा पूरा देश चाहता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 से ही ये बोल रहे थे कि एक सर के बदले इतना लाएंगे, आतंकवादियों के सफाया करेंगे। ये 10 वर्षों में तो कुछ नहीं हुआ, आए दिन आतंकी घटना हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आम लोगों की जाने जा रही, इसका जवाब कौन देगा? तो केंद्र सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है, अब जवाब दे 10 वर्षों से ये सत्ता में है कि आतंकी घटना क्यों नहीं रुक रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं जो बयान देता हूँ उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, चाहे वो आरक्षण को लेकर बयान हो, चाहे वो सिख भाइयों को लेकर बयान हो, मेरे बयान को हमेशा गलत फैलाया गया और झूठ बोला जाता है मेरे बयान। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, इंडिया गठबंधन के नेताओं श्री राहुल गांधी जी के बयानों को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर फैलाया जाता है कि तिल का तार बना दिया जाता है। आरक्षण विरोधी पार्टियां श्री राहुल गांधी जी के मुंह में ये बातें डालना चाह रही है कि राहुल गांधी जी आरक्षण विरोधी है। इंडिया गठबंधन के तो एजेंडा में था इस लोकसभा चुनाव में, तो ये जो प्रोपगंडा खड़ा किया जाता है इसी से पता चलता है कि सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। अपनी उपलब्धि नहीं बताएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी छींकते भी हैं तो ये यहाँ बयान देने के लिए होड़ लग जाती है एनडीए में। दिल्ली के नए नवेले मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर अब बयान आ रहा है, कहा जा रहा है कि ये डमी मुख्यमंत्री है। देखिए, भाजपाइयों को पहले ये बताना चाहिए, उन्होंने तो अपने मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, क्या हल किया? शिवराज सिंह चौहान जी को हटाया, वसुंधरा राज हटा करके, ये डमी मुख्यमंत्री बनाने का फितरत दिमाग बीजेपी का रहता है, तो वहाँ अगर बना है दिल्ली में तो इनको डमी दिख रहा है, तो ये तो उनके चाल चरित्र चेहरे में रहा है, वहाँ कोई डमी नहीं है। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के विधायक दल के नेता में आतिशी जी चुनी गई हैं और वो बनी है मुख्यमंत्री दिल्ली की, उनको बधाई है, शुभकामना है। शपथ ग्रहण के बाद पैर भी छू रही हैं, उसको लेकर भी बयान। देखिए, ये तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री है ये काम की मुख्यमंत्री, ये तो लगातार बयान दे रही है कि हमें, मेरा एक ही लक्ष्य है अरविंद केजरीवाल को पुनः मुख्यमंत्री। भाई, उनके नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, ने पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की सरकार का नेतृत्व किया है, माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका जो विजन था, उनका जो कार्य था, वो बनी है तो वो कर रहे हैं, अपने सरकार के कार्यों को जो है वो पूरा करेंगे।